क्या सर आरसीबी अभी भी क्वालिफाई कर सकती है क्या? 9 मैच हैं, क्यों नहीं कर सकती? कम से कम 7 मैच जीतने क्यों नहीं कर सकती भाई? कर सकती है भाई अभी... इस अगर मुंबई को हराते हैं वो देखो सबसे पहले उन्हें मैच नहीं जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले उन्हें पता है क्या करना है? अपनी टीम में एडिक्वेट चेंजेस करने हैं भाई। सही बात, अपनी टीम ऐसी बनानी है जो आपको जीतने लायक लगे वो टीम। यार लोमरो और आप लेकर आइए, आप आकाशदीप को आप बाहर बिठाए हुए हैं, आप आकाशदीप को लेकर आइए। अगर फास्ट डुप्लेसिस अगर नहीं रन मैं आपके तीन पेसर बताऊं, हाँ आप सिराज को खिलाइए, नो डाउट उनको बैक करिए, आप विजय कुमार विशक को खिलाइए, आप आकाशदीप को खिलाइए, तीन आपके ये पेसर हो गए। इंडियन टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर ओवरसीज में आप ग्रीन को हटा के वहां पे आप विल जैक्स को ले, ठीक है, ये आपका मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेट। मैं तो भैया मैं तो कह रहा हूँ अगर आज जैसे हम लोग एक भी ओवरसीज बॉलर नहीं खिला रहे हैं तो फिर आप विल जैक्स को भी रखिए ना यार, जहां पर आपने सौरभ चौहान की जगह बनाई थी वहां विल जैक्स की जगह बनाइए, विल जैक्स किप को भी रखिए, ग्रीन को भी रखिए और मैक्सवेल को रखिए, फाफ को रखिए, चार आपके ओवरसीज हैं तो, और बाकी आप अपनी पूरी टीम ऐसी रहने दीजिए भाई, बहुत अच्छी टीम लगेगी आपकी। विल जैक्स आपको शुरुआती जो जैसे स्टार्टिंग में केकेआर के लिए और मुंबई के लिए काम जो काम रोहित शर्मा और सुनील नरेन कर रहे हैं ना, वो काम आपके आरसीबी के लिए विल जैक्स कर सकते हैं, क्योंकि विल जैक्स वो खिलाड़ी हैं जो 36 बॉल पे या 42 बॉल पे शतक जड़ सकते हैं यार, तो वो काम आपके लिए आरसीबी के लिए विल जैक्स कर देंगे। उसके बाद विराट कोहली और जो बाकी के नीचे फायर पावर है वो अच्छा करेंगे, दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में है, वो फिनिश आपको अच्छा दे देंगे। लेकिन ये चीज आरसीबी मैनेजमेंट को समझनी होगी भाई कि अगर आपको यहां से क्वालिफाई करना है तो आपको वो एडिक्वेट चेंजेस करने होंगे भाई। कह रहे सर आरसीबी डेंजरस 11 अगेंस्ट एमआई, उन्होंने मतलब आरसीबी की 11 बताई है, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, विल जैक्स, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, आपके चार तो ओवरसीज यही हो गए, महिपाल लोमरो, डीके, मयंक डागर, रीस टॉपलियर, पांच आपने वो खिला दिए, यश दयाल, सिराज एंड इम्पैक्ट प्लेयर, पाटीदार की जगह विजय कुमार विशक, तो आपने पांच तो वो खिला दिए आपने ओवरसीज, फैफ डु प्लेसी, विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल और आपके कितने हो गए, फाफ डुप्लेसी, विल जैक्स दो हो गए, ग्लेन मैक्सवेल तीन, रीस टॉपली चार, अच्छा चार ही है हाँ, तो बढ़िया आपकी प्लेइंग 11 नजर आ रही है भाई, मजेदार आपकी प्लेइंग 11 है मुंबई के अगेंस्ट। सब देखते हैं मुंबई भी फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन भाई ये माने तो भाई, क्योंकि हम लोग तो लगातार बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो प्लेइंग 11 बहुत बार बदली है, विल जैक्स को हमने हमेशा बोला है कि आप विल जैक्स को मौका दीजिए, लेकिन वो मानते ही नहीं है भाई, वो ऐसी टीम खिलाते हैं जहां पर आप सोच ही नहीं सकते कि वो जीतेंगे। आप जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जो प्लेयर अच्छा कर रहा है आप उसे बाहर कर देते हो, जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसे आप भेजते ही नहीं हो। शाहबाज अहमद को ट्रेड कर डाला है, आप 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं शाहबाज अहमद एसआरएच में, ओ भाई 6-7 गेंदे मिलते हैं और रख के फोड़ देते, वो एक ओवर मिलता है ना बॉलिंग का उसमें विकेट ले जाते हैं, बैटिंग में 5-6 बॉलें मिलती है, 15-16 रन मार देते हैं, और क्या चाहिए भाई, इंपैक्ट टी20 में ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। अच्छा ये कौन कौन सी टीम होगी, क्योंकि देखना अगर हम आरसीबी जैसी टीम की बात करें या और यार देखो बहुत सारी टीम ऐसी हैं, चेंज करना पड़ेगा, मैं बहुत चेंज पूरी टीम बदल दो भाई, वो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आरसीबी के साथ पता है क्या है यार, देखो कुछ भी है विराट कोहली दिलो जान से खेलता है और उसको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, उस मैच में भी अगर राजस्थान वाला मुकाबला देखो 157 का स्ट्राइक रेट आई गेस कम नहीं होता है, ठीक है, टी20 फॉर्मेट में जब आप पहले ओवर से 20वें ओवर तक खेल जाते हो, हालांकि ठीक है मिडल ओवर्स में कह लीजिए या जो लास्ट के ओवर्स में है वहां पे विराट कोहली थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और पुश कर सकते थे, लेकिन दूसरे एंड पे आपको मतलब विकटें वहां पे जा रही थी, ठीक है, दूसरी तरफ जॉस बटलर का शतक था, वो भी भाई वहां पे संजू ने देखो उनका कितना बढ़िया साथ दिया, पार्टनरशिप वहां पे लगाई, संजू भी अलग अच्छी पेस पे खेल रहे थे, जॉस बटलर भी अच्छी पेस पे खेल रहे थे, तो आरसीबी को ये समझना पड़ेगा कि यार हम ओवरसीज इतने बड़े बड़े नाम, ठीक है पंजाब से देखो कोई उम्मीद नहीं करता कि वो आईपीएल जीते, वो ये करे वो करते, बट आरसीबी का फैन बेस इतना बड़ा है, इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे लोग इतना सपोर्ट करते हैं आरसीबी से, चाहते हैं भाई ट्रॉफी जीतो, पंजाब को कोई नहीं देखना चाहता कि भाई ट्रॉफी जीतो, ठीक है जीत जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके भाई बड़े बड़े नाम जिसपे बोलते हैं ना कि बड़े आपने पैसे तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिए बट उनका इनपुट उतना नहीं है, उनका रिजल्ट इतना नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। विराट कोहली की बैटिंग जो अभी हुई थी ना, जो वहां पे लोग कह रहे थे कि भाई देखो स्ट्राइक रेट का, मैं मेरे हिसाब से ना वो बैटिंग अच्छी थी, क्योंकि आप अगर विराट कोहली को देखें शुरुआत उन्होंने अच्छी की, हर ओवर में लगभग चौके आ रहे थे। मेरे को है ना रोहित शर्मा की एक बात बहुत याद आती है, मतलब उन्होंने ये ओडीआई वर्ल्ड कप में ही बोला था, उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि भाई टी20 में यार स्ट्राइक रेट मेंटेन मतलब करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा जवाब दिया इस बात पे कि सभी प्लेयर्स का 11 में सबको रोल बताया गया है,
हर बंदे का रोल मारना नहीं होता है। सही बात, रोहित शर्मा का या फिर हम कह लें यशस्वी जायसवाल का ऊपर से मारना ठीक है, आपको समझ में आता है, लेकिन नंबर तीन पे एक आपका ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो थोड़ी सी पार्टनरशिप स्टेबिलिटी दे, जो थोड़ा सा भरोसा आपको दे। तो आरसीबी को यार बहुत कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, बहुत सारे प्लेयर्स को छोड़ना पड़ सकता है, और रिटेन में तो यार देखो विराट कोहली तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, मोहम्मद सिराज आपके यार देखो इंडिया खेलते हैं वो तो रहेंगे रहेंगे, मैक्सवेल को भी कर लेंगे, मैक्सवेल क्योंकि आपके कप्तान में भी हो सकता है कि अगले सीजन में आपके ग्लेन मैक्सवेल हो, क्योंकि फाफ डुप्लेसी का ये आखिरी सीजन है, डीके का ये आखिरी सीजन है, ठीक है, तो आपको एक कप्तान भी चाहिए, तो मैक्सवेल में भी हो सकता है कि वो रिटेन करेंगे ही करेंगे। तो ये जो कोर बंदे हैं ना, ये आरसीबी रिटेन करेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें, भाई आपको स्पिनर चाहिए, आपको एक इंडियन फास्ट बॉलर एक या दो लोग चाहिए, भाई यार आपके पास इंडियन टैलेंट है उनको बैक करो। तो आरसीबी को भी यही कहना चाहूंगा, आकाशदीप आपका बेंच पे बैठा है, आप खिला रहे हो रूस टॉपली को, आप खिला रहे हो अल्जारी जोसेफ को, आप खिला रहे हो इसको, आप खिला रहे हो, लेकिन बैटिंग में तो इंडियन टैलेंट को आरसीबी बैक करती है, लेकिन वो टैलेंट पता नहीं भाई आपने उनको अगले गेम में बिठा दिया, कहां से बैक कर रही है यार। अच्छा गाइस देखो 110 के लगभग लोग जुड़े गाइस, लेकिन लाइक नहीं है, लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि लाइक करोगे तभी यार फिर फायदा होगा, कमेंट्स भी ले लेते हैं भाई, कमेंट्स ले लो मैं इधर से ले लेता हूँ, आप रहने दीजिए। आशु बुरिया कह रहे 5 सही है, वो कह रहे हैं कि 8 रिटेन करने की जरूरत नहीं है, 5 ठीक है आपके, 4 इंडियन कर लो, 1 ओवरसीज कर लो, या फिर 3 इंडियन कर लो, या फिर 2 ओवरसीज कर लो, एक आपके पास। अरुण पाटिल कह रहे हैं अभी आरसीबी यार हल्की नजर आते, अकेले विराट कोहली क्या ही मतलब उखाड़ लेंगे यार। सही बात है यार, और उस टीम में देखो अगर आप देखें ना, अगर विराट कोहली ही जो कर रहे हैं वो विराट कोहली ही कर रहे हैं, उनके अलावा पूरी टीम ऐसा लगता है कि भाई कुछ करने नहीं आए हैं। आपकी गेंदबाजी आप देख लें, आपकी बल्लेबाजी देख लें, फाफ डुप्लेसिस चलो पिछले सीजन या उसके पहले सीजन तक रन बनाते थे, इस बार आप देखो फाफ डुप्लेसिस ने जब जितनी बार भी बल्लेबाजी की है एक बार भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं पिछले मैच में 33/44 ये कोई रन होते भाई, पूरा विराट कोहली पे सवाल उठ रहे हैं, आप कप्तान पे सवाल उठाओ ना, मेन तो आपके कप्तान है, लीड तो आपका कप्तान कर रहा है, कप्तान अगर 33/44 रन की पारी खेल रहा है भाई, तो आप किसी खिलाड़ी के ऊपर कैसे सवाल कर सकते हो। उसके बाद लोग कहते हैं ना कि विराट कोहली ने स्ट्राइक रेट कम रखा, भाई मिडिल ऑर्डर्स में उनका 150 का स्ट्राइक रेट गलत है, अगर एंड में 14वें ओवर विकेट गिरा था, विकेट गिरने के बाद मैक्सवेल आते हैं, डॉट बॉल खेलते हैं 3-4 और फिर विकेट गिर जाता है, भाई जहां पे विराट कोहली को कैपिटलाइज करना था वहां प्रेशर दे रहे हैं ऊपर, प्रेशर आ जाता है, तो भाई कैसे कैपिटलाइज होगा। विराट कोहली अगर ये सोचे कि भाई मैं भी उस इंटेंट से खेलूं, वहां पे विराट कोहली का विकेट गिर जाए, उस दिन 183 बने थे, अगर विराट कोहली थोड़ा तेज खेलने की कोशिश में विकेट दे जाते आपके बनते 125 रन 150 रन, बस वो भी मुश्किल से, क्योंकि कोई फॉर्म में नहीं ना आपके ग्रीन है, और भाई देखो सबसे पहली बात जब डीके फॉर्म में है तो आप क्यों ग्रीन को और सौरभ कौन थे मतलब सौरभ यादव आप उन्हें ऊपर भेज रहे हो, उनको ऊपर भेज रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा, डीके मैच फिनिश कर रहा है आपके लिए, आप उनको बचा के रखे हुए हो।